खास करके बर्फधारियों को जो सुबह में पार करेंगे पानी रहेगा तो यहाँ जो है शाम में किसी तरह पार करेंगे भी किस तरह का पानी आ रहा है गंदे पानी में बर्फधारी लोग जाएंगे। ये रास्ता जो है ये नगर पंचायत रोहतास और खासकर बकनौरा पंचायत ये ऐसे पुराना में तीन पंचायत के लोग इस छठ घाट पर आते हैं। ये रोहतास प्रखंड में सबसे जो है मैंने काफी भीड़ भाड़ वाली नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यारी न्यूज न्यारी वीडियो और इस वक्त मैं ऐसे समाज सेवी कह लीजिए और ये कार्यकर्ता ये लोग हैं और कार्यकर्ता है तो आखिर कहाँ के कार्यकर्ता हैं, किसी से कमेटी से बिलोंग करते हैं या अपने मोहल्ले से ये लोग निकल पड़े हैं। ये इस बात को मैं दिखाने के लिए निकला हूँ यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये घाट है, यहाँ पे काफ़ी हमारे इलाके में नगर पंचायत का ये समझ लीजिए कि छठ घाट है तो यहाँ भीड़ कितना होता होगा। कई गांव के लोग इस नगर पंचायत में छठ पूजा के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं, इस भीड़ भाड़ को देखने के लिए आते हैं, इस महापर्व में लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हैं इस तरह से अपने सामान को लिए हुए हैं और रास्ते में सफाई कर रहे हैं, जैसा कि वीडियो आपने हमारा देखा। तो यहाँ पे एक भाई है हमारे और इनसे मैं बात करता हूँ। जी आपका शुभ नाम? सुभाष कुमार सिंह। सुभाष भाई ये बताइए कि छठ पूजा होने वाला है और आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं जी, ये आपको पहले बधाई कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए जी। और क्या आप हर साल करते हैं कि इस साल सबने शुरू किया है? ना ना, हर साल होता है, हर साल इतने मेहनत, हाँ इतने मेहनत होता है, इससे भी ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि और इससे भी ज़्यादा मेहनत हो, ज़्यादा मेहनत होता भी था। होता भी था जी जी जी। तो आज कितने बजे से आप लोग यहाँ लगे हुए हैं? हम लोग आ जाते हैं मैंने 4:30 बजे। 4:30 बजे सुबह से चले आते हैं जी जी। और ये आप लोग एक टारगेट बना ले सका कि आज यहाँ से यहाँ तक सफाई करना है, कल वहाँ से वहाँ तक करना है? हाँ, मैंने इतना रहता कि आज इतना मैंने दूर तक इतनी छील देना है, साफ कर देना है, सफाई कर देना है जी जी। लगभग 2-2.5 घंटा लोग समाज जी, ये 4:30 बजे यहाँ पे आ जाते हैं। आप सोचिए कितने बजे देखते होंगे। एक और हमारे पास जी, आप न्यारी न्यूज़ को अपना परिचय दे दिए हमारे व्यूअर्स जान जाए आपको। प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार सिंह जी, सबसे बड़ा मुद्दा एक नज़र आ रहा है श्रद्धालुओं के लिए, आप लोग सफाई कर रहे हैं रोड के आसपास में जो कंकड़ है उसे भी आप लोग हटा रहे हैं, जो रास्ते में घास उस हो गया है दाएं बाएं रोड के साइड में आप लोग उसे सफाई कर रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं। लेकिन बस सूरत नज़ारा देखने को कि यहाँ न्यारी उसको मिल रहा है पानी, ये बहुत बड़ी परेशानी है। पानी नहीं है ये हमारे श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। आज तो पानी कुछ सूख गया है, यहाँ तक कल तक पानी था। हाँ, भरल था। ये देखिए एरिया आप देखिए भीगा हुआ था, यहाँ तक था। और ये श्रद्धालु यहाँ किस तरह से आएंगे ये परेशानी ये देख लीजिए कि यहाँ किस तरह से आएंगे। न्यारी न्यूज़ को ये खबर मिली कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला है, श्रद्धालुओं को छठ पूजा में यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकता है। ये हमारे भाई इस तरह से लगे हुए हैं और ये अपने कार्य को कर रहे हैं। ये आपका शुभ नाम क्या है? अजय कुमार। अजय कुमार जी, ये बताइए ऐसे तो आप खेत में काम करते हैं, आपके तरीके से लग रहा है आज छठ पूजा के लिए महापर्व जो है आपका है ना, महापर्व उसे कहा जाता है, आज उनके श्रद्धालुओं के लिए कर रहे हैं, छठ के लिए कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काश सबको ये मौका नसीब हो, ये सबको ये दिन नसीब हो। देखिए ये भी हमारे भाई है, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार कश्यप। मैं इनका नाम इसलिए पूछ कर दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हमारे नौजवान हैं हमारे अकबरपुर रोहतास में, इनको जज्बा इनको शौक है, भगवान इन्हें ताकत दे, इनके बाजू में ताकत दे और ऐसे कार्य में ये लगे रहें। बहुत अच्छा भाई कर रहे हैं। न्यारी न्यूज़ की सबसे ढेर सारी दुआएँ, आपको बधाई। और भी मेरे भाई है जी, आप नाम बताओ भाई। नीतीश कुमार सिंह।
अरे भाई क्या बात है भाई, अरे यार आप तो नीतीश कुमार सिंह हो यार, ये तो मामला नहीं देख रहे हो नीतीश जी? देख रहे हैं ना, नीतीश जी को कुछ लिखो ना, मुद्दा उठाया है ना, मुद्दा उठाया है, मुद्दा नहीं उठाना होगा साहब, उठाना होगा मुद्दा उठाया है ना, संसद में पूरा इसके चल रही कर रहे हैं ना। ये हमारे नीतीश कुमार जी है और समाज का सेवा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जनाब नीतीश कुमार साहब जी। देखिए ये बच्चा आपके नाम से बिलोंग करता है, इसका भी नाम नीतीश कुमार है, लेकिन ऐसा जज्बा लगता है अपने गांव की सेवा में इस तरह से लगा हुआ है, वाकई बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश भाई। आपका नाम क्या है? जयकांत कुशवाहा। जयकांत कुशवाहा, ये बताइए इस बार छठ में क्या होने वाला है, कुछ हटके होगा या नया कुछ तो होगा ही होगा? हाँ, कुछ ना कुछ तो हटके होगा जी। हमारे ये मैं बता दूँ कि हमारे अकबरपुर रोहतास में ऐसे ऐसे डेकोरेटर आते हैं, शेरिया डेकोरेटर वगैरह वगैरह, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे लोगों को लगाया जाता है कि जो कि यहाँ से लाइट बत्ती के का इंतज़ाम जो होता है, मैंने देखा है, वीडियो में भी दिखा है, पूरे अकबरपुर के हर गली में, अरे यार पूरे नगर पंचायत में यहाँ से लाइट और साउंड का व्यवस्था किया जाता है, हर गलियों में झाड़ू को मारकर उसे सफाई किया जाता है, और ये इस तरह से लोग काम करते हैं, वाकई सराहनीय काम है। ये लोग 4:30 बजे से लगे हुए हैं, इनके जज्बे और हौसले को सलाम कि ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, रास्ते में सफाई कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग कोई कमेटी के अंतर्गत हैं या आप लोग अपने मोहल्ले से निकले हुए हैं? हम लोग कमेटी नगर पूजा समिति के हैं जी। आप किस कमेटी के हैं? नगर पूजा समिति। अच्छा ये बताइए, नगर पूजा समिति बहुत पुरानी कमेटी है जी। जी इस कमेटी को बने कितना दिन हो गया? 1987 में स्थापित हुआ था। क्या बात है। अच्छा नगर पूजा समिति जो है कौन कौन सा काम करती है? नगर पूजा समिति छठ पूजा करती है और एक दुर्गा पूजा करती है। अच्छा जी, दो कार्य जी नगर पूजा समिति को ये दो चांस मिलता है, एक दशहरा दुर्गा पूजा, एक तो होली का पर्व में अथी करती है। हाँ, ये सारा अरेंज आप लोग की कमेटी की तरफ से होता है जी। अच्छा इस कमेटी में आप लोग कितने लोग होंगे? 30-40 की संख्या में हम लोग हैं। अच्छा तो ये बता दिए, कमेटी का तो भाई सबसे बड़ी बात उसमें अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है जी। जी कौन कौन से हैं उनका नाम बता दिए मैं उनको? मृत्युजय सिंह अध्यक्ष हैं जी, और जयराम सिंह उपाध्यक्ष, और शंभु प्रसाद सचिव हैं जी जी, और सुभाष सिंह माने मैं कोषाध्यक्ष हूँ, आप विनोद सिंह हैं संरक्षक, आप कोषाध्यक्ष हैं जी। आप सबों को ढेर सारी बधाई, ये न्यारी न्यूज़ की तरफ से, और सारे कार्यकर्ता को ये मेरी तरफ से बधाई है, और हमारे यहाँ प्रमोद सिंह साहब हैं, बहुत अच्छे अंदाज में खड़े हुए हैं, हाथों में मैं एक विशाल डंटा लिए हुए हैं, एक डंटे का कमाल जो है बहुत भयानक कमाल होता है, आज आप डंटा उंटा लेके निकले हुए हैं, क्या आपका इरादा है? वही रात में आते हम लोग भोर में, तो मैंने कुछ सभा बीच निकला, चाहे कुछ काटना फटना है पिटना है तो सब करने के लिए डंटा रहता हाथ में, ठीक रहता है ना। अच्छा ये बताइए कि नगर पूजा समिति इतना अच्छा कार्य कर रही है हमारे नगर पंचायत अकबरपुर रोहतास में, और इतने साल से काम कर रहा है, और दिन ब दिन इसके कार्यकर्ता भी बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों में हौसला भी बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ हौसला पूरा है कार्यकर्ता को पूरा, तो सब तन मन से लगे रहते हैं, तन मन धन कहिए। अच्छा तो ये बताइए आप, तो जब से ये नगर पूजा समिति बना था तो आप उसमें ऐड हैं? हाँ उस समय से ही हैं हम लोग। अच्छा तो आप इस वक्त तो आप लोग बहुत सीनियर हो गए, अब तो नए नए बच्चे आ गए होंगे। हाँ आते हैं, आपको तो गार्जियन का दर्जा दिया होगा। आइए तो छोटा बड़ा के हिसाब से आइए ना, समय के हिसाब से सब होता है जी। क्या क्या बात है, क्या बात है, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि समय के अनुसार सब कुछ होता है। अब ये इनका प्रमोशन हो गया है, ये गार्जियन में हो गए हैं, और जो नए आने वाले नए जो बच्चे हैं जनरेशन जिनसे हमने बात कराया वो इनके सिपाही हो गए हैं, और ये उनको गाइडलाइन करते हैं, उनको देखते हैं कि ऐसे करना है ऐसे करना है। इस बार क्या आपका प्लानिंग है पूजा में? पूजा में अभी तो सर सफाई चल रहा है, उसके बाद में अब दीपावली की बिहार से जो अपना सब गोल बात गढ़ाएगा, तार तो तनाएगा, सब आजा बाजा बनाएगा। भाई सोन में पानी बहुत भरा हुआ है, अब इन साल पुल बांधने की व्यवस्था हो रहा है, पाइप जा रहे हैं हम लोग जुगाड़ करने के लिए, पाइप गलेगा उस सोन में, उसके बाद में पुल बनाएगा, इसलिए जगह है नहीं। जहाँ पे पूजा किया जाता है जहाँ पे लोग जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है वहाँ पे पानी है भी? अभी रास्ता में पानी पड़ेगा सोन में भी ना। अच्छा सर पानी में पानी है? हाँ रास्ते में पानी है, 300 फीट पुल बांधना है, 34 इस बार पानी की वजह से।
इस बार का ऐसा मौका है कि पानी जो है बिल्कुल सोन नदी के यानी घाट के पास पानी है। पानी पार हो गया। पहले ऐसा हुआ करता था कि कुछ दिन बालू हो जाता था, अब पानी कुछ आगे हुआ करता था, लेकिन इस बार का मामला ऐसा है कि 300 फीट ये लोग अपना एक रास्ता बनाएंगे, पुल बनाएंगे, सोन में पुल बनाएंगे और उसके बाद पार करने के बाद वहाँ पे पूजा होगा। हाँ, क्या बात बीच है, में, क्या बीच में बालू पे मतलब पूजा होगा। ये नगर पूजा समिति ऐसा ऐसा काम करता है और ऐसा ऐसा उसके काम है और वाकई उनके मेंबर भी इतने पावरफुल है भाई के लोग इतना ये रहते हैं। जी आपका शुभ नाम? सिकंदर कश्यप। सिकंदर कश्यप जी, ये बताइए कि आपको दिखा था कि आप आगे एक ग्रुप लेकर आप काम कर रहे थे, आप ही थे? जी जी, वहाँ पे जो डल्ही वगैरह पेड़ जो हर साल में बढ़ जाती है तो उसको छटवाने उठवाने का काम करते ताकि किसी व्रतियों को जो है तकलीफ ना हो आने जाने में, कोई भी गाड़ी उड़ी आने जाने में तकलीफ ना हो, लगे नहीं, इसके लिए सफाई में लगे हुए जो कि ये भी ऐसे ऐसे कार्य में लगे रहते हैं, तो इनकी बात को सुनवाना और हमें इनको दिखाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये अभी तो आपने बताया कि नगर पूजा समिति ऐसा कुछ काम कर रहा है, आपने फ़ोन हमें किया और एक मसला बताया कि ये जल जमाव, जल जमाव के बारे में क्या कहिएगा आप? जल जमाव का स्थिति ये है कि इस बार जो है 3 दिन पहले तक काफ़ी पानी था और इसको यहाँ जो स्वयंसेवी संस्था है नगर पूजा समिति बीते कई वर्षों से नगर पूजा समिति के सभी लड़के लग करके करते हैं और अभी जो है चूंकि नगर पंचायत हो गया है तो नगर पंचायत के तरफ से इन लोगों का जो चाहिए उस टाइप का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अभी जो है सारे कार्यकर्ता अपने से लगे हुए हैं, उनका भी कोई आदमी आता है थोड़ा बहुत देखभाल करता है, लेकिन जो भी करते हैं लोग नगर पूजा कमेटी के लोग ही करते हैं। और ये स्थिति इतनी भयंकर हो गई थी क्योंकि आज तो कुछ सब बच्चे उधर से लग करके पानी उनी कई जगह से बंद किए हैं, पानी बंद किया गया, बंद किया गया है, मोटर कई जगह बंद किया गया है और पानी का रुख बदला गया है, तो जा कर के स्थिति में ये है, नहीं तो छठ व्रतियों के लिए और ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए थी। अजय जो भाई एक सवाल आता है कि पानी आखिर ये कहाँ से आ रहा है? नदी का पानी है, सोन नदी का पानी है या बरसात का पानी है? ये पानी बरसात का पानी है और साथ में सैल नदी का पानी भी इसमें उभर आता है, प्लस पटवन का पानी भी बहुत जगह टूट जाने के चलते आता है और ये पहले से एक छलका था जो छलका बहुत पहले से बर्बाद हो चुका है। अब इस पर चूंकि ध्यान नहीं रहने के चलते गड्ढे में तकलीफ हो गया है, अब यहाँ पर कम से कम 2-4 हेम पाइप लग जाता है, एक छलका बन जाता तो पानी भी पार कर जाता और लोगों को आने जाने की सुविधा होती, आए दिन की रास्ता है ये, तो इस पर पहल होनी चाहिए। तो क्या पहल क्या करेंगे या गुहार आप किससे लगाएंगे, क्या कहेंगे आप? अभी तो यहाँ के जो चूंकि लोकल स्तर पर कुछ है नहीं तो यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक हैं, सरकार हैं और नगर के जो पदाधिकारी हैं उन तक ही बात कही गई है और आगे पुनः कहा जाएगा, सूचना दिया जाएगा कि भाई इस पर कुछ व्यवस्था बनावे, क्योंकि देखिए किस तरह से गाड़ी फंस जा रही है किनारे साइड में भी, यदि पहले तो काफ़ी भर ठेवना तक पानी था, अभी तो कुछ कम है। किन लोग के पास जो है, क्योंकि ये कार्यकर्ता जो हैं सब जगह से लगे हुए हैं, ये लोकल कार्यकर्ता दिल्ली बॉम्बे सौरों काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी के आधार पर और यहाँ अपना लग करके इन लोगों ने एक पुल का निर्माण करेंगे जिससे चूंकि छठ जहाँ होता है वहाँ बालू पर ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, पानी भी होना चाहिए, तो इसके लेकर के इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करेंगे जिसको हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक आप लोग न्याजी न्यूज के साथ बने रहिए, हैप्पी दिवाली, छठ की अग्रिम बधाई। जी, ये प्यार की बोली, मैं कहता हूँ प्यार की बोली जिसे कहते हैं हैप्पी दिवाली। ये अजय देव साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो कि सालों भर बाहर में रहते हैं, अकबरपुर रोहतास से बाहर रोटी रोजी के लिए जाते हैं, लेकिन दशहरा में आते हैं और छठ ऐसे त्यौहार में इस तरह का कार्य करते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ पे एक ब्रिज बनाते हैं और वो ब्रिज बनाकर वहाँ पे छठ पूजा को किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा और ऐसा ही वीडियो एक बनाकर दिखाऊंगा जो कि इसके आगे का होगा, छठ घाट का होगा, वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।